सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का होस्ट मयंक एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंदौर जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इंदौर के रेलवे से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ हम सभी के बीच में आ रही है। दोस्तों, अगले महीने इंदौर से दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ इनॉग्रेट की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो इंडियन रेलवेज़ ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था सेमी हाई स्पीड ट्रेन का, जिसको वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया था, जिसमें कि ट्रेन 18 के जो ट्रेन सेट है उसको यूज़ किया जाता है, वो बहुत ही जल्द इंदौर की ट्रैक्स पर दौड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। सो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है जो कि कुछ ही दिन पुराना है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये आर्टिकल भी पढ़ लिया होगा, और हो सकता है कि आप में से कई रेलवे के जो जानकार होंगे उन सबके पास ये न्यूज़ बहुत पहले ही आ चुकी होगी। सो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये आर्टिकल है दैनिक भास्कर का। इसमें आप देख सकते हैं, जयपुर और इंदौर के बीच 10 जनवरी या उसके बाद दौड़ सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंदौर में अगले महीने भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई सारे जो हैं बड़े बड़े NRIs जो कि बाहर रहते हैं विदेशों से, वो इंदौर में आएंगे, और उनका जो है एक समिट इंदौर में रखा गया है। उसी दौरान PM मोदी भी इंदौर आ सकते हैं, और इन ट्रेनों का या तो अनाउंसमेंट करके जाएंगे वो, या फिर इनॉग्रेट करेंगे। दोस्तों, आप ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले साल जनवरी में ही जयपुर को पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। 10 जनवरी है, इसके बाद कभी भी इंदौर से जयपुर के बीच है ट्रेन चल सकती है। और दोस्तों, आपको मैं पहले से बता दूं कि जो इंदौर से जयपुर की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली थी उसकी जनवरी में ही डेडलाइन है, और हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या जनवरी मंथ में कभी भी ये ट्रेन हमको इंदौर से जयपुर के बीच दौड़ती हुई दिख जाए। और आप में से जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम सुना होगा, ये एक वाइट कलर का एक ट्रेन सेट होता है जो कि लगभग लगभग बुलेट ट्रेन के जैसा दिखता है। इसका जो सामने का फेस होता है वो एरोडाइनमिक होता है। मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा, वैसे मैं थंबनेल में उसकी फ़ोटो डाल दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि वंदे भारत एक्सप्रेस कैसी दिखती है। सो दोस्तों, फिलहाल ये ट्रेन इंडिया के कई मेजर सिटीज़ के बीच में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जो पहली वंदे भारत थी वो न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, और दूसरी वंदे भारत न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चली थी। तो यही खबर है कि इंदौर से बहुत जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल सकती है। वैसे इस खबर की अभी कोई औपचारिक पुष्टि तो नहीं है, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इंदौर के शेड में जिस हिसाब से काम चल रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, उस हिसाब से यही लगता है कि बहुत जल्द जो है इंदौर को यह वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अभी तक रेलवे के अफसर जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जो रतलाम मंडल के मंडल प्रबंधक थे वो इंदौर का दौरा करके गए थे, और बहुत जल्दी जो है जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवेज़ के जनरल मैनेजर है जो मुंबई में बैठते हैं, वो भी इंदौर का दौरा करके जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इंदौर जयपुर का जो प्रस्तावित रूट है, प्लस जो कह सकते हैं एक टाइम टेबल है जो कि पेपर वालों ने बनाया है वैसे तो, लेकिन ये ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड टाइम टेबल है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इससे फास्ट होगा टाइम टेबल, क्योंकि जहाँ पे जो इन्होंने न्यूज़ में दिया है, इंदौर से सुबह 5:50 बजे का डिपार्चर दिया है, 7:20 का उज्जैन अराइवल दिया है, 8:30 बजे नागदा, 12:45 का सवाई माधोपुर, और 2:40 का दुर्गापुरा जयपुर का इन्होंने दिया हुआ है। और दोस्तों, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ट्रेन जो है जयपुर मेन स्टेशन नहीं, दुर्गापुरा स्टेशन आता है जो कि जयपुर सिटी के अंडर में ही आता है, वहाँ तक चलेगी। और इसको अगर हम देखा जाए तो ये 8 घंटे 50 मिनट का टाइम टेबल है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे कई ज़्यादा फास्ट होने वाला है इसका टाइम टेबल, लगभग लगभग 6.5 से 7 घंटे में ये ट्रेन जो है इस सेक्शन को कवर कर लेगी। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि इंदौर से सुबह चलकर दोपहर में जयपुर पहुंचेगी ये ट्रेन, और जयपुर से आधे घंटे जयपुर में एक हॉल्ट लेने के बाद फिर से ट्रेन जो है इंदौर की तरफ चल देगी, और रात को 11 या 12 बजे तक ये ट्रेन इंदौर पहुंच जाया करेगी। तो यही थी दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़, ये आप देख सकते हैं।
पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरा टाइम दे दूंगा, या आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसकी कोई ज़रूरत हो। और इसी के साथ दोस्तों, इंदौर से जबलपुर के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन अनाउंस की जा सकती है, जो कि जल्द ही, मतलब ये है कि इंदौर जयपुर वंदे भारत चलने के बाद ही वो भी स्टार्ट की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरा ख्याल है, इंदौर जयपुर जो है वो ज़्यादा फिजिबल है। मतलब इंदौर जयपुर के बीच में क्या है, दोनों बड़े शहर हैं, काफ़ी पैसेंजर भी ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो इन्होंने टाइमिंग दी हुई है वो क्या रणथंभौर ट्रेन से क्लैश करती है। तो उस दौरान अगर ये ट्रेन चलेगी और इसके टाइम टेबल में ज़्यादा डिफरेंस ना हुआ, और इसके फेयर में भी मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक जितनी वंदे भारत चली उनका फेयर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कंसिडर करते हुए अगर इन्होंने इस ट्रेन को थोड़ा मतलब फास्ट ना रखा और रणथंभौर के आसपास ही रखा, जैसे अगर रणथंभौर से ट्रेन 1-1.5 घंटा ही फास्ट हुई तो शायद ही इस ट्रेन को उतना रिस्पॉन्स मिल पाए जितना कि दूसरी वंदे भारत को मिल रहा है। और अभी तक मैं देख चुका हूँ कि ज़्यादा जितनी वंदे भारत चल भी रही है उनको इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, 2-3 वंदे भारत छोड़ दी जाए तो। और इंदौर जबलपुर के बीच भी वंदे भारत की बात कर रहे हैं कि, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको इंदौर और जबलपुर के बीच में कोई वंदे भारत स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। इंदौर से रिलेटेड और भी ऐसी अगर अपडेट आएंगी किसी भी रेलवेज को लेकर के, या फिर रोड, या फिर किसी भी तरीके के डेवलपमेंट वर्क को लेकर के, तो हम आपके आप तक उस अपडेट को ज़रूर से पहुंचाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप के इंदौर से बहुत जल्द एक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो, क्योंकि इंदौर के पास वैसे भी स्पेशल ट्रेन्स की कमी है, ज़्यादा कोई स्पेशल ट्रेन्स है नहीं इंदौर के पास। आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों, आपसे जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, जय हिंद।